इनके लब रंगी की निछावर थी के जिसने सौदागर किचन यूट्यूब चैनल है, इन्होंने एक इमेज भेजी है मेहंदी की। और इनका सवाल ये है कि आजकल जो है इंटरनेट पर वो इस किस्म की मेहंदी चल रही है जिसमें रमज़ान मुबारक या ईद मुबारक मेहंदी की डिज़ाइन से लिखा हुआ होता है, तो क्या इस किस्म की मेहंदी लगाई जा सकती है और इसमें कोई शरई ख़राबी तो नहीं है मेहंदी के लगाने से? जो इमेज आपने भेजी इसमें गालिबा रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है, तो मेहंदी से इस किस्म के अल्फाजों को लिखना, यानी ये कि आप उल्टे हाथ पे भी लिखेंगी सीधे हाथ पे भी लिखेंगी और फिर वो उसके अंदर जो है बाज़ अरबी के अल्फाज होते हैं और फिर उल्टे हाथ से क्या क्या मामला किया जाता है बैतुल खला में, उससे भी आप वाकिफ़ हैं, तो ये फिर उन अल्फाजों की जो है वो बेअदबी होगी। हाँ, अगर ऐसा है कि एक आध अक्षर अगर बना लिया गया है वो भी सीधे हाथ पे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वरना ये कि अगर उल्टे हाथ पे रमज़ान की मुबारकबाद, ईद की मुबारकबाद या फिर किसी पाक हस्ती का नाम या फिर अपने शौहर ही का नाम अगर लिखेंगी, तो अगर ख़ुद लिखेंगी तो जाहिर है कि सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे लिखेंगी, तो फिर ऐसे में जो है इस्तिंजा वगैरह में वहाँ पर नाम की अल्फाजों की बेअदबी होने का ख़तरा रहता है। और वरना फिर ये कि सीधे हाथ पे अगर लिखा जाए तो इसमें फिर कोई ज़्यादा बेअदबी का अंदेशा नहीं है, लेकिन फिर भी अल्फाजों को हाथ पे लिखने से परहेज़ करना चाहिए, ख़ास तौर से उल्टे हाथ पे लिखने से। और ऐसी इबारतें जिसमें किसी पाक महीने की मुबारकबाद दी गई हो या किसी और दूसरी चीज़ की मुबारकबाद दी गई हो। बाकी अगर कोई ऐसी मेहंदी लगाता है या लगाती है ऐसी मेहंदी, तो इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है, यानी शरीयत में उसकी गिरफ्त नहीं होगी अगर सीधे हाथ पे मेहंदी के डिज़ाइन में बतौर डिज़ाइन इसको नाम वगैरह लिख लिया गया है तो लिखा जा सकता है। वरना मेहंदी के बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, नाम के लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कि जैसा माहौल चल रहा होता है उसके हिसाब से लोग उसमें नई नई ईजाद जो है वो कर लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर शौक हो सीधे हाथ पे लगाएंगी तो फिर लगा सकती हैं, इसमें कोई ख़राबी वाली बात नहीं है। पुरनवार